Hi everyone, my name is Eras and today we are moved in new lecture and in this videos we are going to discuss about the आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करना है। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये आपको क्लास 10 तक लगी ये टॉपिक जो है वो काम देने वाला है। बायोलॉजी का एक टॉपिक है और उस टॉपिक का कुछ इस प्रकार से नाम है, भाई एनिमल्स लाइक फिशेस फ्रॉक्स फिशेस फ्रॉक्स लेस हंड्रेड्स ऑफ एक्स एट ए टाइम। देखो, मैं तुझसे ये बताना चाहता हूं कि टॉपिक को सबसे पहले समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टॉपिक के बारे में तो बता दूंगा लेकिन यही नहीं बता रहा है कि टॉपिक क्या है, तो फिर क्या फायदा, राइट? देखिए, प्रश्न ये है कि हम जैसे ह्यूमन बींग्स हो गए तो फीमेल बॉडी जो है वो हर महीने सिर्फ और सिर्फ एक ही ओवम को और एक ही एक का निर्माण करती है, राइट? ये बातें तो आपको पता है, हाउ मनी वन। बट एक प्रश्न ये उठता है जी कि मछली और फ्रॉक्स जो है वो एक ओवम या फिर एक एग को निर्माण क्यों नहीं करती है, वो हंड्रेड्स और तकरीबन थाउजेंड्स एग को एक ही बार में वो क्यों रिलीज करती है ना ये प्रश्न? तो नो प्रॉब्लम, लेट अस टॉक अबाउट दिस। इसके बारे में हम लोग आपको जानकारी देने वाले हैं, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, राइट? बस यस। तो इसके पीछे कुछ रीजंस हैं, कुछ कारण हैं, तकरीबन थ्री रीजंस हैं। हाउ मेनी? थ्री। सबसे पहले मैं आपको इन सभी रीजंस के बारे में वन बाय वन करके डिस्कस कर देता हूँ, फिर आपको दिखा दूंगा, राइट? क्योंकि अगर आपको पता रहा तो आप खुद से भी लिख सकते हो, मुझे पता है, राइट? तो सबसे पहला कारण यह है कि बहुत सारे स्पर्म और बहुत सारे ओवम जो रिलीज किए जाएंगे फिशेस और फ्रॉक्स के द्वारा, वो तो ऐसे ही पानी के बहाव से वो तो इधर उधर हो जाएगा, उसका मिलन ही नहीं होगा, राइट? क्यों? क्योंकि तुम मुझे एक बात बताओ, आखिरकार ये फ्रॉक्स और ये मछली कहाँ रहती है? जल में रहती है, बाटल में रहती है, ऑब्वियसली यस। एक बात बताओ जी, पानी पानी में कोई चीज रखो वो एक जगह रहेगा, तुम खुद बताओ, नहीं रहने वाला, राइट? क्यों? क्योंकि बाटल जो है वो मूवमेंट करेगा और चीजें जो है वो एक जगह से दूसरे जगह होते रहेंगे, ऑब्वियसली यस। सही बोला ना, राइट? तो यही तो मैं तुझसे बताना चाहता हूँ कि पहला कारण यही तो है जो मैंने अभी भी बोला है, राइट? नहीं सुना, फिर से सुनाता हूँ। देखो, जो मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि जो एक और ओवम यानी कि और स्पर्म ये रिलीज किए गए हैं फ्रॉक्स और फिशेस के द्वारा, वो तो वाटर के बहाव से अलग हो जाएगा, उसका मिलन ही नहीं होगा, राइट? ये पहला कारण हो गया, मैंने रिपीट कर दिया। अब दूसरा कारण ये है कि बहुत सारे एग्स को खा लिया जाएगा एक्वेटिक एनिमल्स के द्वारा, तो वो तो ऐसे ही खत्म हो गया, तो उसका बच्चा कब निर्माण होगा? नहीं हो पाएगा। दो कारण। अब तीसरा है कि चलो मान लिया जाए कि कुछ कुछ जो है वो स्पर्म और ओवम मिला भी, तो सबसे पहले क्या होता है कि पहले लार्वा बनता है, फिर टैडपोल बनता है, और तब जा करके वो एक एडल्ट जमान फ्रॉग में तकदील हो जाता है, राइट? ऑब्वियसली यस। बट डियर स्टूडेंट्स, तुम एक बात बताओ जी, ऐसा भी तो हो सकता है उस लार्वा को फिर से एक्वाटिक एनिमल्स कोई खा जाए, तो एक बात बताओ, बार बार ऐसे ही खाते ही रहेगा तो कब उसका बच्चा? इस प्रकार से तो उसका नस्ल ही खत्म हो जाएगा, उसका तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। और यही कारण है कि वो एक बार में तकरीबन हंड्रेड्स और तकरीबन थाउजेंड्स एग्स को वो रिलीज करती है वो फिशेस वगैरह से, ताकि उसका जो नस्ल है, उसका जो प्रजातियां है वो बची हुई रहे, राइट? तो आई होप कि तुझे जो आंसर है वो इस प्रश्नों का वो मिला होगा, राइट? अब इन्हीं सारी चीजों को मैं आपको लिखा देता हूँ ताकि आपको पता चले, आपको जो नोट्स है वो तैयार हो जाए, राइट? तो आइए चले देखते हैं, नो प्रॉब्लम, लेट अस टॉक अबाउट दैट। और अगर आपको नहीं भी दिखे तो कोई बात नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया उत्तर में कि आपको लिखना क्या है, राइट? और मैं बोल बोल के भी लिखाता हूँ ताकि आप उससे भी सुन करके लिख सकते हो, इसीलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, मुझे यकीन है कि तुम लिख सकते हो, राइट? और चलो लिखा जाए।
लिखेंगे कि एनिमल्स लाइक फिशेस एंड फ्रॉग लेस हंड्रेड्स ऑफ एग्स ऑफ एग्स एट ए टाइम, यानी कि एक ही बार में एट ए टाइम का है भाई, तो ड्यू टू फ्लोइंग रीजंस, यानी कि एक बार में हंड्रेड एग्स को निर्माण करने का कुछ निम्नलिखित कारण है। आइए सीधे जानते हैं कि क्या क्या कारण है। नंबर वन, सबसे पहले मेनी ऑफ द एग्स एंड ओवम एंड स्पर्म आर कैरिड अवे, वो तो अलग ही हो जाएगा अवे, कैसे का है तो बाय द मूवमेंट ऑफ वाटर, यानी कि पानी के बहाव के कारण, राइट। चलो दूसरा कारण क्या है, मेनी ऑफ द एग्स आर इटन बाय द एक्वेटिक एनिमल्स, बहुत सारा तो जो एग्स हैं वो एक्वेटिक एनिमल्स के द्वारा खा लिया जाएगा, तो इसका मिलन ही नहीं हुआ, इसका तो खत्म हो गया, मिलन तो दूर की बात है, राइट। चलो तीसरा कर लास्ट, मेनी ऑफ द लार्वा आर मे भी, हो सकता है कि ये भी खा लिया जाए, इटन बाय द एक्वेटिक एनिमल्स। यही कुछ कारण थे जो मैंने आपसे अभी भी बता दिया, राइट। तो आई होप कि तुझे समझ में आया होगा, राइट। तो ठीक है, फिर से मिलूंगा कुछ नेक्स्ट वीडियोस में कुछ नए अंदाज में, ठीक है ना। तब तक के लिए बस ऐसे ही, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड फॉर दैट वन यू शुड मस्ट वेट, लव यू ऑल, एंजॉय योर डे, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।